और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे यहाँ, जब आप गुलबर्गा एंटर करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स का बोर्ड दिखाई देगा आपको, आपको बहुत सारा हॉस्पिटल्स का बोर्ड दिखाई देगा। ये लेके ये पैनल में आपके पास तीन डॉक्टर है और मेडिकल डॉक्टर्स है, तीनों कोलीग्स है। इसका वजह शायद आप ही डॉक्टर लोग हमें बता सकते हैं कि इसका वजह क्यों है, इतने सारे डॉक्टर्स क्यों है गुलबर्गा में? सर, इट्स बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन इज आर्टिकल 371J एंड यहाँ पे चार मेडिकल कॉलेज है, जिन जो चारों मेडिकल कॉलेज में दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक सेंट्रल का ESIC जिन्होंने खरगे साहब ने बनाया था, दूसरा जिम्स मेडिकल कॉलेज, और ये हमारे नॉर्थ हैदराबाद कर्नाटक का जो कल्याण कर्नाटक बोलते हैं उसमें हम लोग अराउंड 1000 seats इज ड्यू टू आर्टिकल 371J जो कांग्रेस की देन है और जिसको अडवाणी जी ने जब उप प्रधानमंत्री थे उन्होंने 2002 में रिजेक्ट किया था। तो शायद अगर उससे पहले ही करा तो और ज़्यादा डॉक्टर है मिलते थे आपको हर घर में। यहाँ पे हमारे बहुत पुराने बड़े बुजुर्ग थे महादेवप्पा रामपुरे जी, एंड दैट टाइम देर वॉज IAS ऑफिसर जो नागराज राव सर थे, दे ऑल हैव वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अस हैदराबाद कर्नाटका एजुकेशन सोसाइटी फॉर द पीपल, फॉर द फार्मर्स, चिल्ड्रन ऑफ द फार्मर्स हियर, क्योंकि वहाँ पे तब इट वॉज बैकवर्ड रीजन बोल के इट वॉज कंसिडर्ड इन टू दैट। तो उसकी वजह से जो उन्होंने देन दिया है, ही इज़ कॉल्ड एज द थर्ड गॉड ऑफ कलबुर्गी आफ्टर शरण बसवेश्वर और ख्वाजा नवाज के बाद उनका नाम लिया जाता है, बिकॉज ही इज़ द वन अलॉन्ग विद द अदर टीम। We have members, HK members, I am a HK member, Kiran is a HK member and Arundhati is also a HK member. We all have studied from the Mahadevappa Rampure Medical College. We shouldn't forget that. We have a lot of gratitude to her. And most of the doctors over here are because of the Mahadevappa Rampure Medical College. Jo ESI aya hai, ab aya hai after 50 years. Aap jo bole the, 50 years se Congress yahan pe rule kar raha hai. 50 saal se Congress rule kar raha hai. Phir bhi isko kya bola gaya tha? Pichda hua जगह बोल के। यही मेरा सवाल है मैम। या एग्जैक्टली, अभी हम बारामती से आ रहे हैं और वहां पर दिख रहा है कि बारामती एक ओएसिस है महाराष्ट्र के अदरवाइज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग सिटीज में। बारामती पे बहुत फोकस दिया है पवार परिवार ने और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां दिख रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट यहां क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, जैसे आपने बोला है कि हमारे यहाँ नवाबों का रूल था, रजाकों का रूल था, तो जो ये नवाबों रजाकों का रूल जो है ये सेम मानसिकता बाखूबी इन लोगों ने कैरी किया है कांग्रेस वालों ने, तो 50 साल तक इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। पंचायत से लेके दिल्ली तक इनका ही सत्ता था, 50 साल तक इनका ही सत्ता था, लेकिन कहीं पे भी आपको अभिवृद्धि नहीं दिखेगी क्योंकि इनकी मानसिकता थी कि इसको पिछड़ा हुआ जगह बोल के ही इनको दिखाना था, कहीं पे भी इनको विकास लाने की इनकी मानसिकता नहीं थी। विकास लाने के लिए भाजपा ही को आना पड़ा यहाँ पे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय येडियुरप्पा जी एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय बोम्मई जी। जवाब दीजिए डॉक्टर किरण। मैं हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको ये बोलना चाहूँगा कि पंचायत राज भी राजीव गांधी जी का ही देन है, आपको पता होगा। तो पंचायत से लेके जो गुलबर्गा में हमारे जो क्षेत्र में हैदराबाद कर्नाटक का कल्याणगढ़ जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आप हर कोई भी चौराहे जाइए, यू गो टू एनी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कलबुर्गी, यू विल फाइंड वन बिग यू नो प्रोजेक्ट ऑफ द कांग्रेस। चाहे मैं आज उनको चैलेंज करना चाहूँ तो मैं 50 गिन सकता हूँ। 50 साल में क्या करा, मैं 50 चीज़ें गिन सकता हूँ, उनको भी क्या मैं गिन सकते हैं। तो मैं गिनता हूँ थोड़ा। आप एयरपोर्ट से आइए, एयरपोर्ट हमारी देन है, ESIC, जिम्स, जयदेवा, आज जितने भी कोविड में एडमिट हुए ये दो ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, जिम्स हॉस्पिटल और जयदेवा ESIC में। अपना किडवाई सेंटर है, ट्रॉमा केयर सेंटर है, किडवाई कैंसर सेंटर है, हाईकोर्ट हमारी देन है, लेकिन इतना रिंग रोड हमारी है। के बावजूद 2019 में आप हार गए जी। 2019 में भावनात्मक जो चीज़ है उसमें से बीजेपी ने ज़्यादा और RSS ने ज़्यादा उस पर काम किया है, और अब आज के डेट में कलबुर्गी का हर एक नागरिक पछता रहा है कि हमने खरगे साहब के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, और इस बार इसलिए हमको मिनिमम 1.5-2 लाख के लीड से जिताने वाले हैं।